ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में अपनी लंदन यात्रा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान वायनाड सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीते 3 दिनों में से संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित होती आ रही है। आज भी इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी गुरुवार को पहली बार संसद पहुंचे। हालांकि हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हालांकि इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीसी करके पलटवार किया है। पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा खड़ा कर रही है। मैं एक सांसद हूँ, इसलिए पहले संसद में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मीडिया से बाद में बातचीत होगी। राहुल गांधी ने कहा कि आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ, तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये मेन बात है। वहीं राहुल की पीसी के बाद बीजेपी की ओर से सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट एंड डिमीन इट। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में, बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।